One thing that you will learn in this whole journey of not just WordPress, but e-commerce and WooCommerce is that products are at the center of the whole e-commerce journey. So, jo aapke products hain, they are super critical because they are what lures a customer to come in and find or purchase from your website. Pata nahi aapko ye samajh aaya ki nahi aaya. So what we'll do is, I'll try to give you a few examples of this. Dekhe, jab bhi aap dukaan pe jaate hain, jab bhi aap market pe jaate hain, aapko pata hai that stores are designed with a certain purpose. Aapko nazar aayega ki toffees jo hain, wo hamesha counter pe padi hoti hain. Kabhi aapne socha hai? Biscuits jo hain, wo hamesha ek side drawer pe pade hote hain. Aisa kyun hai? Because humans have certain buying behaviors. Insaan ek tarah se kaam karta hai aur insaan ko aap predict kar sakte hain. Jis tarah journal commerce hoti hai, journal commerce mein there are buying patterns of humans. Isi tarah online world mein bhi there are buying patterns of humans. To un buying patterns ko humne understand karna. और अगर उन बाइंग पैटर्न्स को हम अंडरस्टैंड कर जाएं, वी वुड बी एबल टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्ट लिस्टिंग. सो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है और देखना है. और साथ ही साथ लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स इन पाकिस्तान. एक उसमें से एग्जाम्पल है दराज. दराज का नाम शायद आपने बहुत सुना हो, दराज.pk. दराज के पास दे हैव मोर देन 100,000 प्रोडक्ट लिस्टेड. इज दराज पावर्ड बाय वर्डप्रेस? नो, दराज हैज अ कस्टम प्लेटफॉर्म. बट आप दराज जैसी वेबसाइट वूकॉमर्स से रातों रात खड़ी कर सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे द आर्ट इज नॉट सेटिंग अप द वेबसाइट. द आर्ट is about finding the products जो कि आप अपनी वेबसाइट पर लगाएंगे. These could be clothing products भी हो सकता है. आप clothing related कोई चीज़ sell कर रहे हो सकता है. आप कोई technology accessories बेच रहे हो सकता है. आप कोई और बच्चों के लिए कोई सामान है जो बना के बेच रहे हो. वो तो totally आप पर depend करता है. But products are going to be super crucial. तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो शायद आपके जहन में आए, जो कि मैं आंसर करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल, क्या आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर डाल सकते हैं? द शॉर्ट एंड स्वीट आंसर टू दैट इज यस, बट आल्सो नो. यस इसलिए क्योंकि डालने को तो आप डाल सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट यू एड एवरीथिंग ऑन योर वूकॉमर्स वेबसाइट. भाई अगर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं आपकी साइट पे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपने वहाँ पे टूथब्रश भी डाला हुआ है, आपने वहाँ पे एक बारबी डॉल भी डाली हुई है, आपने वहाँ पे एक जो है ना फ़ोन का कवर भी डाला हुआ है, तो मैं एज अ कंज्यूमर कंफ्यूज हो जाऊँगा कि आपकी साइट पे आप करते क्या हैं, आप बेचते क्या हैं. सो दैट्स वाई यू नीड टू हैव अ ब्रांड विच सेल्स ओनली वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट और वन कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट. यू कुड हैव अ बिगर स्टोर विच सेल्स ऑल काइंड ऑफ products, but usually it is suggested ke start ke level pe you only start with the basics and you only try to add products which make the most sense for you. Isi tarah ek aur site hai goto.com.pk. it's also another e-commerce website. Aur meri aapse ek request hai ki before you go into this understanding of product listing, WooCommerce aur ye jo sari cheeze hain WordPress related, आप जाके और e-commerce वेबसाइट को स्टडी करें. ना सिर्फ लोकल e-commerce वेबसाइट्स बल्कि आप इंटरनेशनल e-commerce वेबसाइट्स को भी स्टडी करें और देखें
कि वो क्या कर रही हैं, उन पे देखें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसी हो रही है, उन पे देखें कि लोग क्या सेल कर रहे हैं, उन पे देखें कि लोग क्या बाय कर रहे हैं, उन पे देखें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको सामने नज़र आ रही है, इससे पहले कि यू गो एंड क्रिएट योर ओन ई कॉमर्स वेबसाइट. इट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ सुपर क्रिटिकल टू लर्न योर सेल्फ कि यार बाकी लोग क्या क्या बेच रहे हैं एंड बाकी लोग किस किस तरह की वू कॉमर्स साइट्स बना रहे हैं. एंड जेन में याद रखिएगा कि वू कॉमर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट टेंजिबल एंड फिजिकल प्रोडक्ट्स. वू कॉमर्स कैन ऑल्सो बी फॉर डिजिटल प्रोडक्ट. लेट से आपने कोई बुक लिखी है और आप वो बुक अब बेचना चाहते हैं, तो यू कैन एक्चुअली यूज़ वू कॉमर्स टू डू दैट. यू कैन एक्चुअली यूज़ वू कॉमर्स टू सेटअप एन अपॉइंटमेंट साइट. लेट से यू आर अ डॉक्टर और लेट से यू आर समवन हु इज़ प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, तो आप वू कॉमर्स को यूज़ करके अपने लिए एक अपॉइंटमेंट्स और टाइम टेबल वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हैं. तो टोटली depends on how you want to use it. It totally depends on how you want to explore WooCommerce. But products are at the center of it. So, main aapko try bhi karwaunga. Main aapko dikhana chah raha hu ki aap kaise products list kar sakte hain aur kya kya options hain aapke paas. But in this topic in particular, I would like you to take through a journey of WooCommerce Showcase. WooCommerce Showcase kya hai? WooCommerce Showcase is a website through which you can see कि दुनिया में लोगों ने कैसी कैसी WooCommerce की साइट्स बनाई हैं और कैसे वो पैसे बना रहे हैं. क्या वो टी शर्ट सेल करके पैसे बना रहे हैं, क्या वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसरी सेल करके पैसे बना रहे हैं, क्या वो किसी और तरह के प्रोडक्ट सेल करके पैसे बना रहे हैं. आप और मैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस. आई एम गोइंग टू टेक यू लाइव एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू सी कि वू कॉमर्स की कौन सी सक्सेसफुल वेबसाइट्स हैं दुनिया में और वो कैसे काम कर रही हैं. सो लेट्स गो लाइव. सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट आर सम ऑफ द बेस्ट वू कॉमर्स वेबसाइट्स और वो कैसे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं. सो जाते हैं, सर्च करते हैं बेस्ट वू कॉमर्स साइट्स और अब आपके पास एक लिंक आ गया विच शोज़ यू the best WooCommerce site built with obviously WooCommerce. इनको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि ये लोग क्या बेच रहे हैं. So Porter and York is a very good example. Porter and York एक website है which sells meat और ये पूरी website is actually using WooCommerce. तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको नज़र आ रहा है ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग है. इन्होंने बड़े सिंपल तरीके से प्रोडक्ट लिस्ट किया हुआ है. यू कैन बाय इट और यू कैन गो टू द गुड बैच डॉट कॉम विच इज सेलिंग फ्रेश बेकरी आइटम्स एंड कॉफ़ी. बट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट के WooCommerce शोकेस पे कौन सी साइट्स हैं जो WooCommerce हमें दिखाना चाह रहा है. विल गो टू WooCommerce शोकेस और WooCommerce शोकेस पे आपको काफ़ी ज़्यादा साइट्स नज़र आएंगी. आप अपनी साइट सबमिट भी कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखिए, इन्होंने दिखाया हुआ है कि एक ये साइट है विच इज़ अबाउट मेंटल हेल्थ. विल ओपन दिस. क्लोथिंग एंड फैशन की एक है, हम ये खोलेंगे. एक वॉलीबॉल शॉप है, उसको भी हम खोल के देखते हैं. Let's visit this websites to see इन साइट्स पे क्या हो रहा है. तो ये एक वेबसाइट है, इट्स एन ऑनलाइन ट्रेनिंग वेबसाइट. जर्मन में है इसलिए मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन यू कैन सी दैट यू नो इट्स पावर्ड बाय WooCommerce. साथ ही साथ ये एक और वेबसाइट है विच इज़ अबाउट सिंपल प्रोडक्ट्स. ये आपको यहाँ पे इस पे प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं. इसी तरह एक और वेबसाइट जो मैं आपको अपने क्लाइंट की दिखा सकता हूँ, उनका नाम है वाई बी सोप्स. विल गो टू वाई बी सोप्स डॉट कॉम
And YB Soaps is basically a very good example of a local e-commerce site that is powered by WooCommerce. So ye soaps banati hain. She is an entrepreneur. Her name is Zara. Zara is based in Islamabad. And you can see that these soaps, she is basically selling these soaps. And this is Pakistan's website. And this whole site is actually powered by WooCommerce. So simple products in a list. This is the USA volleyball shop. They are also using WooCommerce. We'll see ye kuch aur sites hain jinko hum thoda sa explore karenge. Tutorials bhi aap bech sakte hain. You can sell products as well. Ye dekhiye Australia ka ek pet retailer hai jiske site yahan pe main aapko dikha raha hu. This is also powered by WooCommerce. Aur aap dekh sakte hain kitna acha design इन्होंने इसका एक डेवलप किया हुआ है. सो यू कैन गो एंड लुक एट दैट एंड सी गुड एग्जांपल्स. साथ ही साथ एक जोई कॉफ़ी कंपनी है, ये भी आप देख सकते हैं इस पावर्ड बाय WooCommerce. आप बड़े आराम से इसके प्रोडक्ट्स ले सकते हैं. यू कैन चेंज द होल सेटिंग्स इज वेल. और इसी तरह एक और कॉफ़ी वेबसाइट है विच इज़ ऑल्सो पावर्ड बाय WooCommerce. तो ये सारी वेबसाइट्स दिखाने का मकसद आपको क्या है? मकसद ये ताकि आप देख सकें कि हाउ यू कैन क्रिएट अ WooCommerce वेबसाइट विच इज़ जस्ट एज गुड. यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विच इज़ जस्ट एज सिक्योर. यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट विच इज़ जस्ट एज स्टेबल. WooCommerce इज़ द नेम ऑफ द गेम एंड यू शुड ट्राई टू यूज़ WooCommerce टू पावर योर ई कॉमर्स वेबसाइट.